हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम पीएचडी एडमिशन में बेसिकली बात करने वाले हैं एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। ये जो आपका एफएक्यू है, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं जब आप पीएचडी एडमिशन्स लेने वाले होते हैं या फिर ले रहे होते हैं, तो आपको हमेशा माइंड में ये कन्फ्यूजन रहती है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्वालिफाई किया हुआ है नेट, तो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है ये। तो अगर आपने EWS कैटेगरी में क्वालिफाई किया हुआ है नेट और आपके PhD की जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उसमें आप देख रहे हो कि स्पेशली कहीं पर भी EWS कैटेगरी का मेंशन नहीं है। जहाँ पर भी सीट्स डिफाइन की गई हैं वहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरीज़ हैं या वो कैटेगरीज़ हैं जो पहले से थी। EWS कैटेगरी का एज सच सीट्स नहीं डिफाइंड हैं, या एक दो हो सकते हैं नोटिफिकेशन ऐसे हों जहाँ पर EWS कैटेगरी डिफाइंड हो, बट मोस्टली ऐसा है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 50 नोटिफिकेशन आ रही है एडमिशन की, तो उसमें से हो सकता है कोई एक ऐसी नोटिफिकेशन हो जहाँ पर EWS कैटेगरी दी हुई हो, बट बाकी जितनी भी रिमेनिंग आपकी नोटिफिकेशंस हैं उसमें EWS कैटेगरी नहीं दी होगी। और मोस्टली जो कैटेगरीज होंगी उसमें आपका अनरिजर्व्ड होगा, दैट इज़ जनरल कैटेगरीज, फिर उसके बाद आपका SC, ST, PWD, इस तरीके की कैटेगरीज आपकी होंगी। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि क्या आप नेट क्वालिफाइड हैं EWS कैटेगरी में और उसके बाद आप PhD अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में, ये आपका क्वेश्चन है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि आप ऑफकोर्स अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। उसका रीज़न क्या है, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी EWS कैटेगरी को इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है, और हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन हो भी, फिर भी स्पेशली PhD में एज सच सीट अलग से बनाना EWS का ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी अगर आप EWS से क्वालिफाई किए हुए हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में अपीयर कर सकते हैं। आपका जो फॉर्म फिल होगा वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में ही होगा, बट आपको मेंशन करना होगा कि आपने EWS में नेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप EWS कैटेगरी के हैं तो भी आप अनरिजर्व या फिर जनरल कैटेगरी में अपीयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि EWS कैटेगरी वाले बाकी रिजर्व कैटेगरीज में अपीयर कर सकते हैं। जो आपके अनरिजर्व्ड हैं, मतलब जिस पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, आप सिर्फ वहीं पे अपीयर कर सकते हैं, ये ध्यान देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप EWS कैटेगरी के हैं आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप SC से या ST से अपीयर करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आप अनरिजर्व्ड या फिर जनरल में अपीयर कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा और ये कन्फ्यूजन अब नहीं होगी। और जहाँ पर भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपको यहाँ पर ये देखना नहीं है कि EWS कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप बिल्कुल जाइए और जो भी नोटिफिकेशन उनको फिल करिए, और जनरल या फिर अनरिजर्व में आपको फिल करना होगा। आप जब अपने नेट का रिजल्ट वहाँ पर शो करेंगे तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली EWS कैटेगरी मेंशन होगा, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके FAQ का क्वेश्चन का आंसर था। अगर इस तरीके के और क्वेश्चन हो PhD एडमिशन से रिलेटेड और आपको अभी तक उसका रियल आंसर नहीं समझ में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करना है, तो क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।